हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स और हम पढ़ेंगे फिर फाइनली ब्लॉक। ओके, हम इनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनका क्या रोल है जावा के अंदर और इनको हम एक्सेप्शंस में कैसे इनका यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। नेस्टेड वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, नेस्टेड वर्ड जब हमने इफ ब्लॉक किया था, नेस्टेड इफ किया था, ओके फॉर लूप किया था, नेस्टेड फॉर लूप किया था, तो उनमें मैं आपको बता चुका हूँ नेस्टेड का मतलब क्या है। नेस्टेड का मतलब क्या है, एक किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर हम उसी ब्लॉक को दोबारा से यूज करते हैं, जैसे मेरे पास ये ट्राई ब्लॉक है, ये आउटर ट्राई ब्लॉक है और इसके अंदर मैंने एक बार और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज कर रखा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक, ये हमारा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक है। ओके, सो ये हमारा आउटर ट्राई ब्लॉक है और ये हमारा इनर ट्राई ब्लॉक है। ओके, सो ये डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, इसमें क्या बता रखा है, जो मेरे पास ये इनर ट्राई ब्लॉक है अगर ये बाय चांस ये एग्जीक्यूट नहीं कराता, ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाता, तो क्या करेगा, ये जो बाहर वाला जो होगा आउटर जो कैच ब्लॉक होगा वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ओके, सो ये हमारे पास है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। मैं एक दो एग्जाम्पल इसके लेके बता देता हूँ आपको। ओके, सो इक्लिप्स में हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, नेस्टेड ट्राई के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक इंट ए नाम से वैल्यू ले लेता हूँ और ए नाम की वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ 35/0। ओके, ये मैंने इसको वैल्यू दे दी। ओके, ये वैल्यू देने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, इस आउट किया और ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, सेव करके अब रन करा मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर शो होगा मेरे पास, एक्सेप्शन यहाँ पे शो होगी। एक्सेप्शन क्या आई है मेरे पास, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता और इसने यहाँ पे, और सेवंथ लाइन में मेरे पास यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो ये हमारे पास इसने बता दिया है। अगर मैं इसी चीज को ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करूं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्राई ब्लॉक ले लेता हूँ, ये ट्राई ब्लॉक ले लिया मैंने और इसमें मैं क्या करूंगा, एक ट्राई ब्लॉक और ले लेता हूँ। ओके, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूंगा, एंड ए नाम से वैल्यू ले ली और उसको वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं 36/0 दे दी मैंने। ओके, 36/0 मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मैसेज भी पास करा देता हूँ, मैं मैसेज यहाँ पे पास करा देता हूँ डिवाइडिंग ए नंबर विद जीरो। ओके, ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया। अब मुझे पता है जब भी मैं इसको जीरो से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी। ओके, तो मैं कैच ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पर कैच ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो क्लास है वो दे दी इसमें, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ई नाम से रेफरेंस वेरिएबल, ये मैंने दे दिया। कैच ब्लॉक के अंदर आऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई को प्रिंट करा देता हूँ, ई को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ये ट्राई ब्लॉक जो आउटर ट्राई ब्लॉक है इसका भी मैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, कैच ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट करना है। कैच ब्लॉक लिया मैंने और यहां पर मैं ले लेता हूँ एक्सेप्शन, यहां पर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट इस एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ। कैच ब्लॉक के अंदर आया और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ एक मैसेज यहाँ पे एरर, और यहां पर क्या करूंगा कॉन्केटिनेशन का यूज, और ई को यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, यहां पर मैंने सिर्फ ई को प्रिंट कराया और इसको मैंने एरर ई को प्रिंट यहाँ पे कराया। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। So, जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले मेरे पास क्या आया, ये मैसेज पास हुआ है, जो ये मैसेज है, और जैसे ही इसने यहाँ पे एक्सेप्शन फाइंड की, एक्सेप्शन फाइंड करने के बाद इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराया, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराया तो इसने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और ट्राई ब्लॉक ले लेता हूँ, मैं ट्राई ब्लॉक लिया और इसके अंदर मैं कर देता हूँ इंट ए आर वाई, ओके, और न्यू कीवर्ड इंट, और यहां पर साइज दे देता हूँ 3। ओके, ये मैंने साइज दे दिया एरे का। ओके, और अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, ए आर वाई फोर्थ इंडेक्स पे, यहां पर क्या है मेरे जो इंडेक्स वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, 0, 1, 2, क्योंकि यहां पर साइज कितना, 3, तो 2 तक यहां पे इंडेक्स वैल्यू होगी। मैं क्या करता हूँ 6 इंडेक्स पे या 5 इंडेक्स पे मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, ए आर वाई 5 में मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू दे दी मैंने 35। ओके, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई एरर आएगा मेरे पास, एरर जो भी आना है तो उसके लिए मैं कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके, कैच ब्लॉक यूज करता हूँ, कैच ब्लॉक में मैं दे देता हूँ
एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया और ई को मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैसेज पास कर देता हूँ। मैसेज में मैं क्या करूंगा, एरर, और इसमें मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने मैसेज पास करा दिया, यू आर ट्राइंग रॉन्ग पोजिशन टू स्टोर वैल्यू। ओके, ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया है। और मैं इस स्केच ब्लॉक के बाहर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज यहाँ भी पास करा देता हूँ, एक लाइन वैसे ही रैंडम यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लाइन ली और इसमें मैं कर देता हूँ हेलो प्रिंट। ओके, सेव करके अब रन करता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या कौन सा एग्जीक्यूट करा है, इसको पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर ये लाइन प्रिंट करी, फिर आया कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक ने यहाँ पे एरर फाइंड किया, तो कैच ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या किया, अगेन इस ट्राई ब्लॉक को यूज किया, इस ट्राई ब्लॉक के पास गया, इसने यहाँ पे भी एरर फाइंड किया, एक्सेप्शन यहाँ पे भी देखी इसने कि एक्सेप्शन है, तो ये क्या करेगा, जो अगेन ये कैच ब्लॉक है ये इसके पास जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद इसने क्या किया, कैच ब्लॉक के अंदर की जो यहाँ पे लाइन थी उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्सेप्शन थी। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर ली, हैंडल करने के बाद इसने इस लाइन को भी प्रिंट करा दिया। ये जो कैच ब्लॉक है, अगर यहाँ पे मेरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन मुझे नहीं पता होती, अगर मैं यहाँ पे कोई अदर एक्सेप्शन दे देता, तो यहाँ पर क्या होता, अगर ये यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी, यहाँ भी मैं एक सेम यही ले लेता हूँ, एक बार लेकर देखता हूँ। ओके, कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जो आउटर कैच ब्लॉक है इसके बाहर भी एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे कोड रन होके आ चुका है। इसने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट कराया ट्राई ब्लॉक के बाद। ओके, फिर ये यहाँ पर आएगा 11th लाइन पे, इसने चेक किया 11th लाइन पे, चेक करते यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, ये गया इस कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक के पास गया तो इसने चेक किया कि भाई ये क्लास तो यहाँ पे है ही नहीं, ये जो एक्सेप्शन है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है अर्थमेटिक एक्सेप्शन और मैंने यहाँ पर दे रखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही इसने चेक किया कि भाई ये तो मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही इसने यहाँ पे देखा कि ये जो कोड है, ये जो ब्लॉक है, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा, इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, डायरेक्ट इस लाइन के बाद ये जाएगा आउटर कैच ब्लॉक के पास, ये जो ट्राई और कैच ब्लॉक है इनको यहाँ पे हैंडल नहीं करेगा, यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देगा। ओके, ये जाएगा डायरेक्ट आउटर कैच ब्लॉक के पास और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कराया और बाद में यहाँ पे इसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सो ये हमारे पास है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, सो प्लीज यार जल्दी से जाओ और प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो कि जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। ओके, सो ये टॉपिक हमारा हो चुका है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ पे क्या है। ओके, सो यहाँ पे फाइनल मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनल कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड हम यूज करते हैं जब किसी भी वेरिएबल या फिर मेथड या फिर क्लास को हमें फाइनल डिक्लेयर करना हो कि भाई उसको हम आगे चेंज ना कर पाए, उसके लिए हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड का। ओके, वैसे ही हमारे पास है यहाँ पर फाइनली, ये फाइनली यहाँ पर क्या काम करेगा, ये कुछ उससे ही रिलेट करता है, फाइनल कीवर्ड था उससे ही यहाँ पे रिलेट कर रहा है ये भी। ओके, फाइनली कीवर्ड यहाँ पे क्या करेगा, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड सच एज क्लोजिंग कनेक्शन एक्सेट्रा, so that if an exception occur or not in the program, but this code has to be executed in any scenario. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर exception हो या ना हो, ये क्या करेगा, final जो block है उसको execute कराएगा ही कराएगा। इसके हमारे पास दो syntax होते हैं, first हमारे पास है try catch के साथ हम finally block का यहाँ पर use करें, और second हमारे पास है try के साथ हम finally block का use करें। हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि catch block हम लें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैच ब्लॉक यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ और यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो मैं एक दो एग्जांपल इसके करके बताऊंगा, फिर मैं आपको साथ के साथ अच्छे से इनको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि इनका कैसे यूज है यहाँ पर, क्या इनका प्रोसेस है। ओके, सो स्टार्ट करता हूँ मैं ओपन करता हूँ इक्लिप्स। ओके, इक्लिप्स में न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, फाइनली ब्लॉक के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक लिया, इसके अंदर आया मैं और यहाँ पे फिर वही करूंगा इंट,
ए नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 0। ओके, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। और अब मैं आऊंगा कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया और इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी। और इस ब्लॉक के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ई को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, ई को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सेव करके अब रन करता हूँ। तो वही हमारा परमानेंट जो काम होता है वही हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन इसने बता दी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं हेलो प्रिंट कर देता हूँ। ओके, हेलो प्रिंट करके देखता हूँ, सेव करके रन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन आई है तो भी यहाँ पर क्या हुआ है, हेलो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओके, और यहाँ पर मैं एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, सेव करके अब रन करता हूँ तो तब भी यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं आई है तो भी इसने क्या किया, हेलो का यहाँ पे प्रिंट कराया है। ओके, सो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का उसका यूज क्या है, वो तो हम ऐसे भी कर रहे हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे यूज वैसे भी हो रही है। अगर हम इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं, मैं क्या करता हूँ फाइनली यहाँ पे ब्लॉक नहीं लेता हूँ और फिर भी मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाहूँ, इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो इजिली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, और फाइनली यहाँ पे मैं लेता हूँ, फाइनली ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया और अब मैं इस लाइन को यहाँ पे सेव करके प्रिंट करके देखता हूँ तो भी क्या हुआ है, हेलो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो फाइनली का यहाँ पे यूज क्या है, फाइनली का यूज यहाँ पर ये है, जैसे हम क्या करते हैं काफी बार जो SQL होता है, MySQL होता है, उससे कोई डाटा फेच कर रहे हैं। ओके, कोई फाइल वहां से हमने इंपोर्ट कराई है तो उसको क्या करेगा, हमने स्टार्ट तो कर दिया, उसको रीड तो करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन हमने उसको क्लोज नहीं कराया। ओके, जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर मैं एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, मैं लाइन प्रिंट करा देता हूँ इसमें इनसाइड ट्राई ब्लॉक। ओके, और इस लाइन के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ एक लाइन और, मैं यहाँ पे लाइन प्रिंट कराने की बजाय मैं यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ओके, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी और इस जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, कोई अनदर एक्सेप्शन दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या था, मैं एरे ये दे देता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी और ये फाइनली ब्लॉक के बाद मैं क्या इसमें भी एक मैसेज कर देता हूँ, आई एम फाइनली, मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया। और इस लाइन के बाद ये जो कोड है ट्राई कैच ब्लॉक का जो कोड है उसके बाहर आके मैं एक लाइन और प्रिंट करा देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ आउटर ट्राई ब्लॉक, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस कोड को रन करके देखता हूँ कि कौन सी लाइन मेरी यहाँ पे प्रिंट होगी और कौन सी यहाँ पे नहीं होगी। ओके, सेव करके अब रन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पर क्या था, ये कोड जो है इसमें एक्सेप्शन कोई नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है तो इसने इस लाइन को भी प्रिंट करा दिया, इस लाइन को भी प्रिंट कराया और इन दो लाइंस को भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे 0 दे देता हूँ, मैं सेव करके अब रन करता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ये यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग लाइन है तो ये प्रिंट होगी। देन इसके बाद 9th जो लाइन है मेरे पास, यहाँ पे इसने एक्सेप्शन फाइंड की, यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसने देखते ही इसने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया। ओके, ए की जगह मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ हेलो दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, हेलो दे दिया मैंने, सेव करके अब रन करता हूँ अगेन। सो जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन फाइंड हुआ कि भाई 9th लाइन में हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसने देखा तो ये क्या किया, इसने डायरेक्ट इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, डायरेक्ट ये गया कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक के पास गया तो इसने देखा कि भाई जो मुझे एक्सेप्शन यहाँ पे चाहिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन जी क्लास मुझे यहाँ पे नीड है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये हैंडल नहीं कर पाया इसको। अगर हैंडल नहीं कर पाया तो यहाँ पर क्या होता है, जिस भी क्लास को हम हैंडल नहीं कर पाते वो क्या होता है कि आगे का जो कोड होता है उसको ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। फिर भी इसने क्या किया है, जो फाइनली जो ब्लॉक है यहाँ पर उसको इसने एग्जीक्यूट कराया है, इस लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, इस फाइनली का यही काम है। अगर ये एक्सेप्शन हैंडल हो रही है यहाँ पर या नहीं हो रही है तो भी यहाँ पे क्या होगा, फाइनली जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज है। जैसे हम क्या करते हैं कई बार है ना, जो हमारी MySQL की क्लासेस होती है, MySQL का डाटा होता है उनको हम यहाँ पे फैच करते हैं, फैच तो कर लेते हैं लेकिन हमें लास्ट में उनको क्लोज करना होता है। ओके, सो जैसे अगर यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर उनको स्टार्ट भी कर देता हूँ और यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पे जो सेकंड लाइन है उसमें जैसे एक्सेप्शन आ जाती है तो जो क्लोज ब्लॉक है, जो यहाँ पे क्लोजिंग लाइन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जो कोड है उसमें वो जो फाइल थी वो ओपन रहेगी। ओके, ओपन रहेगी तो इसलिए क्या होता है, हम फाइनली ब्लॉक का यहाँ पर यूज करते हैं।
जो यहाँ पर फाइल को रीड और राइट तो हम यहाँ पर कर लेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन उस फाइल को क्लोज कहाँ कराएंगे हम, फाइनली ब्लॉक के अंदर। ओके ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, सेकंड वे है। सेकंड वे क्या है, ट्राई एंड फाइनल। ये मेरे पास कैच ब्लॉक है, अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं, अगर मैं इस कैच ब्लॉक को यहां से हटा देता हूं, तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये कोड रन होगा? वीडियो को पॉज करो और अभी मुझे कमेंट में बताओ कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। ओके तो एक बार रन करके देखते हैं हम। सेव करके रन किया मैंने, तो ये क्या हुआ, मैंने रन किया तो ये क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक के अंदर इसने देखा कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होने के बावजूद भी इसने क्या किया, फाइनल ब्लॉक को यहाँ पे रन कराया है। फाइनली ब्लॉक को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, फाइनली ब्लॉक को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच के साथ भी और ट्राई के साथ भी। ओके लेकिन हमारे पास जो बेस्ट वे है, जो हमारा प्रॉपर वे है, वो क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक के साथ हम फाइनली ब्लॉक का यूज करेंगे, वो हमारे पास प्रॉपर वे है। ओके सो आई होप फाइनली और जो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे यहाँ पर थ्रो कीवर्ड और थ्रोस कीवर्ड का डिफरेंस, और इनका हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके सो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।